हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक का आज हम एनालाइज करने वाले हैं, इस स्टॉक का नाम है आइडिया फोर्ज। इस स्टॉक में कल के ट्रेडिंग सेशन में 700 के लेवल पर से ओपनिंग देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक में 780 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल जाता है। इसके साथ स्टॉक में जैसे 10% तक की रैली देखने को मिली, लेकिन जैसे हमें 9% के करीब क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके साथ स्टॉक के कैसे वॉल्यूम में भी हमें भारी भरकम उछाल देखने को मिली है, 4.7 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में जुड़ता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में 780 रुपीज तक के लेवल देखने को मिले, लेकिन गाइस स्टॉक का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल था, उस लेवल के डाउन साइड में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर स्टॉक में गाइस आने वाले 100 दिनों के बीच में स्टॉक में 785 रुपीज का लेवल ब्रेक होकर इसके ऊपर स्टॉक सस्टेन कर जाता है, तो गाइस इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 900 से लेकर ऊपर 1000 रुपीज तक के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पे हमें बाइंग ऑपर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो गाइस तो इसमें जो हमें सपोर्ट देखने को मिला है 678 रुपीज के लेवल पर देखने को मिला है, जिसके बाद स्टॉक में 785 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले। अगर स्टॉक आने वाले कुछ दिनों के बीच में गाइस 785 के ऊपर सस्टेन कर जाता, तो इसके बाद जो हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 900 रुपीज तक के लेवल ऊपर में देखने को मिलेंगे। और अगर स्टॉक गाइस इस रेंज को ब्रेक कर जाता, जो कि स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉक ने 2 times इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन गाइस हमें गिरावट देखने को मिली थी। अगर इस रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिलता तो गाइस ऊपर में 1000 रुपीज तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में गाइस इसके कल के हाई से लेकर ऊपर में लॉन्ग ऑप्शन टू के मतलब टारगेट से देखें तो गाइस हमें जो टारगेट देखने को मिलेंगे आने वाले शॉर्ट टर्म में गाइस 12% से लेकर ऊपर में मीडियम टर्म के लिए गाइस 27% के करीब टारगेट से देखने को मिल सकते हैं। और इसमें जो गाइस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस में गाइस देखें तो वैसे इसका सपोर्ट लेवल रहेगा जो कि 678 रुपीज का लेवल है, और यह देखिए गाइस 14% के करीब आ रहा है। इसमें हमारा स्टॉप लॉस काफी लॉन्ग आ रहा है, इसलिए गाइस स्टॉक में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कल के बिग कैंडल का लो जो कि गाइस 708 रुपीज का लेवल है, और इस लेवल को देखिए गाइस 9% के करीब आ रहा है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे कुछ इंपोर्टेंट लेवल। इस स्टॉक में गाइस छोटा सा एसएल लगाकर 708 रुपीज के लेवल का स्टॉक में आने वाले दिनों में 900 से लेकर ऊपर में 1000 रुपीज तक के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। इसमें जो गाइस हमारे एनालिसिस है आने वाले 1 month से लेकर 6 months के बीच में यह लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस बनाई, आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी पसंद आई होगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।